और हमारी खास पेशकश अर्निंग्स रिपोर्ट, और इसमें हम हर रोज आपके लिए एक सेक्टर का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे रहे नतीजे, आगे के लिए क्या है आउटलुक। आज है मेटल सेक्टर और तैयार है आशीष अर्निंग्स रिपोर्ट के साथ। आशीष बताएं। सर, अगर सितंबर तिमाही देखें तो मेटल सेक्टर के लिए अच्छी देखने को नहीं मिली थी। अधिकतर कंपनीज की तरफ से जो है नतीजे निराशाजनक पेश करने को मिले थे, लेकिन खास बात है कि काफी सारी कंपनीज में देखें तो जो रिजल्ट आए इसके बाद रिकवरी का भी माहौल देखने को मिला, यानी जो कमजोर नतीजे थे काफी हद तक स्टॉक प्राइसेस में फैक्टर्ड इन थे। अब इसके पीछे का कारण यह है कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो लगातार मेटल की कीमतें घट रही हैं, इसका एक असर देखने को मिला, और साथ में जो ऊर्जा खर्च है, जो एनर्जी कॉस्ट है, मिसाल के तौर पर आप देखें तो जैसे कि स्टील कंपनीज के लिए कोकिंग कोल का जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसका असर आपको देखने को मिला। टॉप लाइन यहां पर रिड्यूस हुई लेकिन इनका लागत खर्च लगातार बढ़ता गया, तो जो अर्निंग्स आई, जो नंबर आए कंपनी के, वो थोड़े से निराशाजनक यहां पर आपको देखने को मिले। लेकिन खास बात यही है कि रिकवरी आपको अधिकतर कंपनीज में स्टॉक प्राइस में देखने को मिली अर्निंग्स रिपोर्ट के बाद। अब बात करें कि किसने अच्छे नतीजे पेश किए तो किसने खराब, तो माइनिंग स्पेस से देखें तो एकमात्र कोल इंडिया ऐसा था जिसके ई ऑक्शन रियलाइजेशन में काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली। बाकी तमाम आप स्टील कंपनीज देखें या फिर आप बेस मेटल कंपनीज देखें, सब में जो गिरावट आपको साफ नजर आई, टाटा स्टील हो, एनएमडीसी, हिंडाल्को, नालको, सेल, वेदांता, सबकी तरफ से जो है नतीजे काफी हद तक कमजोर साइड पर ही देखने को मिले। बात करें अब आउटलुक की, तो आउटलुक अब धीरे धीरे सुधरता जा रहा है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो मेटल की कीमतों में रिवाइवल आ रहा है, और जो ऊर्जा खर्च है इसकी भी जो प्राइसेस है इसमें करेक्शन आ गया, कोकिंग कोल की कीमतें भी तिमाही दर तिमाही घट चुकी हैं, तो इसका एक फायदा देखने को मिल सकता है। आयरन ओर और स्टील पर से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हट गई है इसका भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट यहां पर सेक्टर को देखने को मिल सकता है, और साथ में अगर आप देखें तो मॉनसून के बाद जो कंस्ट्रक्शन पिकअप होता है इसमें भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। स्टील कंपनीज ने एक और पॉइंट हाईलाइट करके ये बताया कि हो सकता है कि Q3 इतना अच्छा ना हो लेकिन Q4 के लिहाज से देखें तो डिमांड और प्राइसिंग के हिसाब से क्वार्टर काफी अच्छा होता है, तो आउटलुक अब धीरे धीरे सुधरता जा रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए मेटल सेक्टर पर पूरे के पूरे नतीजे का विश्लेषण और डिटेल्स। विश्लेषण के लिए हमारे साथ ICICI सिक्योरिटीज के अमित दीक्षित कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो मेटल सेक्टर को बड़ी बखूबी ट्रैक करते हैं, गहरी पकड़ रखते हैं मेटल शेयरों पर भी और पूरे सेक्टर पर भी, चाहे वो फिर हमारे घरेलू बाजार हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, समय देने के लिए धन्यवाद। पहले तो बताएं सर, इस सेक्टर के नतीजों को देखकर क्या व्यू बन रहा है और आउटलुक कैसा है? धन्यवाद अनिल जी, मुझे आपके शो में आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो जैसे उन्होंने बताया, बीती तिमाही में नतीजे वाकई खराब थे, और यदि आप देखें पिछली कई तिमाहियों से तो YoY नतीजे काफी गिरे हुए थे सभी कंपनीज के। प्रॉफिटेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं EBITDA पर टन, वो काफी नीचे था। कई कंपनी का तो EBITDA पर टन जो था वो पिछले 3 साल में सबसे नीचे हो गया था, लेकिन उसके नीचे होने के कारण ये था कि हमारी जो स्टील के दाम है वो करीब 10,000 रुपए पर टन नीचे हो गए थे, जबकि कोकिंग कोल, क्योंकि इन्वेंट्री के कारण कोकिंग कोल इतना नहीं घटा, लेकिन यदि आप आगे की बात करें तो पिछले तिमाही में एक जो अच्छी चीज ये थी कि वॉल्यूम जिसको कहते हैं, तो वॉल्यूम करीब हर कंपनी का 18-20% ऊपर था, और लोगों ने प्रोडक्शन के ऊपर भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन लगाया था, जिसकी वजह से आपकी आपको बाजार में इतनी इन्वेंट्री नहीं थी। तो इन सब को देखते हुए अगर बाजार में इन्वेंट्री ना हो और आगे आपका जो ये H2 होता है वो स्टील के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट से पहले चीजें काफी सुधरती हैं, और इस वजह से डिमांड की उम्मीद है कि डिमांड अच्छी आएगी, और डिमांड को लॉन्ग प्रोडक्ट्स में जैसे JSP और सेल जिसमें है इसमें ज्यादा अच्छी रहेगी। अभी अगर आप कोकिंग कोल की बात करें तो इस तिमाही में जो दिसंबर वाली तिमाही है आपको तकरीबन $80 से $100 का फायदा दिखाई दे। ओके। और अगर आप स्टील प्राइस की बात करें तो स्टील प्राइस इतने नहीं टूटे हैं, इस वजह से आपके जो EBITDA पर टन बिल्कुल कंप्रेस्ड हुए थे वो EBITDA पर टन थोड़ा सा नॉर्मलाइज। ओके, इस तिमाही बहुत परफेक्ट। तो अमित जी, आपने कहा कि अब आने वाली तिमाही थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, और जाहिर सी बात है कि थोड़े मेटल शेयर पिटे हैं तो वैल्यूएशंस भी ठीक होंगे। कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट है और जहां पर आपको लगता है कि निवेश के बढ़िया मौके बन सकते हैं? हाँ, तो यदि आप स्टील में बात करें तो JSPL भी हमारी हाई रेटिंग है,
और हमारा टारगेट प्राइसेस भी 600 पहुंचे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक बाकी सब स्टील स्टॉक्स की अपेक्षा अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, और इसमें फायदा ये है कि जो अपने रीबार के प्राइसेस होते हैं वो काफी स्टेबल रहे हैं, और कोकिंग कोल प्राइस गिरने का इसको फायदा होगा। तो ये स्टॉक होगा। दूसरा हिंडाल्को, हिंडाल्को में ये है कि आपका जो एलएमई एल्युमिनियम है वो इस क्वार्टर में स्टेबल है, और उनकी कॉस्ट जो लास्ट क्वार्टर में थी, लास्ट तिमाही में थी, वो कॉस्ट पीक आउट हो गई है, तो अभी आपको कॉस्ट नीचे जाती हुई दिखाई देगी। तो ये दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आप छोटे स्टॉक में देखें तो जनरल स्टेनलेस हमारा पसंदीदा स्टॉक। ओके, जेएसपीएल आपको पसंद है। अच्छा, इसमें भी ये बताएं कि ओवरऑल मेटल्स में कोई ऐसा है कि स्टील ज्यादा पसंद है या एल्यूमिनियम, और साथ ही माइनिंग से जुड़े हुए शेयर अगर वो भी आपके रडार पे हैं तो वो बताएं। हाँ, तो इसमें नॉन फेरस जो है एल्यूमिनियम जिंक वाले स्टॉक्स ये ज्यादा अच्छा करेंगे। ये हमारी जो प्रेफरेंस है हमारी वो नॉन फेरस के लिए है, फेरस की अपेक्षा, क्योंकि फेरस में अभी भी हमको जो है प्राइसेस ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप इसकी बात करें फ्लैट प्रोडक्ट्स की, जिसको HRC कहा जाता है मार्केट में, तो नॉन फेरस हमारी जो है क्लियर कट पसंद है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो कोल से रिलेटेड, ओएलएक्स से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं वो इस बार भी अच्छे कर रहे हैं। JSPL पसंद है, नेल्को, हिंडाल्को जैसे शेयर भी पसंद है। मेटल्स में स्टील और साथ ही एल्यूमिनियम, ये दो सेक्टर ऐसे हैं, दो स्पेसेस हैं जो मजबूत रहेगी। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनडेप्थ नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के